जरूर। पहली बात तो मैं आपको बताऊंगा, मेरी पहली मुलाकात निम्बावत साहब से कैसी हुई, एसपी निम्बावत साहब जिनको मैं प्यार से बोलता हूँ केसी निम्बावत, उसके पीछे क्या वजह हुआ अभी बताऊंगा नहीं आपको कैमरा पे, ठीक है। तो मैं दूरदर्शन का एक सीरियल कर रहा था, उसमें मैं सेंट्रल रोल कर रहा था, तो निम्बावत साहब आए थे सेट पे, उन्होंने मेरे शॉर्ट्स देखे थे और फिर उन्होंने अप्रोच किया मेरे को, और इनसे एक दिल का रिश्ता कायम हो गया, एक ऐसा रिश्ता बना हमारा बिल्कुल दोस्ती का, गहरा रिश्ता बिल्कुल। उन्होंने बोला मैं एक फिल्म कर रहा हूँ राजस्थान में, अब चलेंगे। मैं राजस्थान से बहुत ही गहरा रिश्ता है, मैं पहले फौज में था और मेरे जितने भी ट्रूप थे मैक्सिमम राजस्थान के थे, झुंझुनू चोरू सिक्कर साइड के, तो मैं कहा बिल्कुल राजस्थान घूमने को मिलेगा, जरूर आऊँगा। और वहाँ पर मैं उम्मीद नहीं करा था, इतनी अच्छी शानदार ज़बरदस्त टीम थी, शावनी जी थी, जितिन मुखी साहब थे, भाई थे हमारे, इनको मैं तो प्यार से मिट्टू भाई बोलता हूँ इनको, हाँ सब लोग थे, कलीम भाई, इनका बहुत ही अच्छा होटल चल रहा है वहाँ पे, दावा देते रहे मगर मैं जा नहीं पाया इनके होटल पे, अफसोस है। लेकिन मैं बताऊँ ऐसी टीम मिलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जैसे निम्बावत साहब मेहनती आदमी है, और मेरे को एक बीमारी है एक्चुअली, वो बीमारी है इट्स कॉल्ड वर्क ऑल, आई एम अ वर्क ऑलिक, लेकिन दिन के 24 घंटे भी कम पड़ते हैं मेरे लिए। तो ऐसे आदमी के साथ जुड़ना जो आपसे काम लेके दे और काम करवाना जानता हो, बड़े प्यार से भी, और जानता है काम कैसे निकालना है हर एक बंदे से। कुछ कहेंगे अपनी और आने वाली फिल्मों के बारे में? जी, मेरी मैंने एक फिल्म की थी, विशाल भारद्वाज की फिल्म थी हैदर, जिसको 5 नेशनल अवार्ड मिले थे, मेरा गेटअप अलग था उसमें। अभी हाल ही में मैंने तिग्मांशु दुलिया की फिल्म यारा की शूटिंग कम्प्लीट करी है, और उनकी एक फिल्म आ रही है राग देश, 28 जुलाई को रिलीज है, उसमें मैंने काम किया है। और कबीर खान ने डायरेक्ट की थी सलमान खान के साथ बजरंगी भाईजान, उस टीम का भी मैं हिस्सा रह चुका हूँ। और जी आप पूछिए जी, इसके अलावा भाई अपकमिंग प्रोजेक्ट कौन से हैं? मेरा अगला सवाल मेरा डायरेक्टर से है जी। इसके अलावा आपकी और भी कोई फिल्म आने वाली है बताएंगे? देखिए फिल्मों की अगर मैं बात करूं रिलीज पे हो, वैसे रिलीज में तो मेरी अभी हाल ही में कबड्डी है, और कबड्डी के बाद मेरी लौट आओ पापा सितंबर में हो रही है, और फ्लोर पे जो फिल्म हमारी दो फिल्में जा रही है, एक तो चंबल के भरके है, और चंबल के भरके के बाद हम लोगों की फिल्म जाएगी पर्यटक है, जो बड़ी स्टार कास्टिंग है उसमें भी, और इसमें अनाड़ी गुड़िया में भी अभी हम लोग अनाउंसमेंट नहीं करेंगे, लेकिन बॉलीवुड के बिग स्टार इन माय फिल्म अनाड़ी गुड़िया जी। थैंक यू। और ये तो मैं मीडिया लोगों का बहुत आभारी। क्या कारण है, क्या रीजन आपके ऐसी पिक्चर के टाइटल बनाते, कहाँ से आता आपकी जिंदगी अनाड़ी, लौट आओ पापा? लौट आओ पापा तो एक धार्मिक फिल्म टाइप थी, और वो एक विश्वास को लेकर थी, और अनाड़ी गुड़िया भी एक आत्मविश्वास को लेकर। अगर कोई लड़का ये कहे कि मैं बड़ा हो गया, मैं पढ़ नहीं सकता, मैं कुछ कर नहीं सकता, या कोई ये कहे, तो सारी गलत है। आदमी के दिल में वो जोश होना चाहिए कि सब कुछ कर सके, और जब तक जोश होगा तो कुछ भी कर सकता है। बच्चे को कुछ बनाने का एक विजन था, ये बच्चा मेरे को एसी के फर्स्ट क्लास रिजर्वेशन में मिला। इस आदमी ने रात को 1 बजे मुझे एक गिलास पानी, अपनी मम्मी जा रही थी इसकी, मेरे को 1 बजे पानी पिलाया, इसको पानी पिलाया, उसी दिन से मैंने इसको बोल दिया मेरी नेक्स्ट पिक्चर का हीरो यही है। ये बहुत अच्छा दिल का है।